जैसे कि आज मैंने आपको बताया था कि डॉपलर्स इफेक्ट और थर्मल प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं डॉपलर्स इफेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, अ सोर्स ऑफ सोनिक ऑसिलेशंस विद फ्रीक्वेंसी एफ इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ डिटेक्टर। तो इसको सिचुएशन ऐसा दिखा देते हैं, यहाँ पे एक सोर्स हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज सोर्स एंड दिस इज डिटेक्टर। सोर्स एंड डिटेक्टर का लोकेशन यहाँ पे दिखा दिया। The source starts moving towards the detector with a constant acceleration a. Okay, so ये constant acceleration से इधर जा रहा है। This is constant. Find the frequency corresponding to the wave emitted first after the source starts. Okay, source के start करने के तुरंत बाद जो उसने wave emit किया है, उसकी frequency detector कितना receive करेगा, वो आपको find out करनी है। तो इसको आप आसान तरीके से ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये t इक्वल टू जीरो का मैंने लोकेशन शो कर रखा है, दिस इज t इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड t इक्वल टू जीरो पे इसने एक वेव रिलीज किया होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो रिलीज्ड वेव है वो आपका आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। वेव के फॉरवर्ड जाने का वेलोसिटी, वो वेव वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो ये अपना यू नो एक वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव। मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव दिया हुआ है सी है, देखो स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम है सी, ठीक है। तो जब ये t इक्वल टू जीरो पे वेव हमने सोर्स के लोकेशन से एमिट किया था, तो t इक्वल टू कैपिटल t टाइम पे, टाइम t मतलब कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, उतने टाइम पे जितना डिस्टेंस वेव मूव कर जाएगा वो उसका एक्चुअल वेव लेंथ है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये वेव लेंथ की बात करें, तो ये वेव लेंथ उसका एक्चुअल वेव लेंथ है, इसको लैम्डा मार्क कर रहे हैं, एंड दैट लैम्डा विल बी वेलोसिटी ऑफ वेव विच इज सी एंड इनटू टाइम पीरियड विच इज टी। बट जो सेकंड वेव जो वो एमिट करेगा, सेकंड वेव जो सोर्स एमिट करेगा, वो अपने प्रीवियस लोकेशन से तो एमिट नहीं करेगा, वो थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा। तो सोर्स का जो नया लोकेशन होगा उस टाइम टी पे, उसको हम दिखा सकते हैं, दिस इज एस डैश, दिस इज एट टाइम अगेन टी इक्वल टू कैपिटल टी ओनली। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो वो मूव कर गया है, जो सोर्स मूव कर गया है, दिस डिस्टेंस विल बी हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर। अब जो सेकेंड वेव होगा वो तो यहाँ से एमिट होगा, तो इसलिए जो एपरेंट आपको वेवलेंथ होगा वो आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, वेवलेंथ विल अपीयर टू बी कंप्रेस्ड, एंड ये आपके लिए नया वेवलेंथ हो गया। तो नया वेवलेंथ जो है उसको एपरेंट वेवलेंथ की तरह कह लेते हैं। सो दिस इज लैम्डा एपरेंट, ये लैम्डा एपरेंट ही बेसिकली उस डिटेक्टर के पास पहुंचेगा करस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन व्हेन द सोर्स एमिटेड द फर्स्ट वेव। तो लैम्डा एपरेंट निकाल लो, उस पर v इक्वल टू f लैम्डा लगा लेंगे, सो लैम्डा एपरेंट that will be equal to lambda minus of half of a into t square कर सकते हैं। So therefore lambda apparent को हम लिख सकते हैं v by f, तो इसको लिख सकते हैं velocity of wave divided by f apparent, and velocity of wave तो आपका c दिया हुआ है, इसको use करेंगे। Lambda की value को v by f use करेंगे, तो lambda की value को हम directly लिख रहे हैं, this is c divided by frequency, actual frequency इसकी होगी, and minus of half of a, lambda is v by f, ठीक है, half a into t square, and that will be equal to c divided by the apparent frequency ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, चेक करो एक बार। हाँ सर, ठीक है, समझ आ रही है आपको? यस सर। तो अभी इसको अगर वापस से रीअरेंज करें, अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, t की वैल्यू को भी ना सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, t की कैपिटल t की वैल्यू को मैं यहाँ पे 1 by f लिख दे रहा हूँ, इसको मैं 1 by f, ये actual frequency जो था उसके, and इसका square कर लिया है, ठीक है? तो इसको भी हम next step में ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे 1 by f को बाहर निकाल लें, तो ये हो जाएगा c minus of half of a into 1 by f, and this is equal to c by f apparent. So therefore f apparent की जो value हो गई है, apparent frequency, that becomes c minus of half into a into 1 by f divided by c and that multiplied with f, ये आ गया, ये आपके apparent frequency जो वो receive कर रहा है वो हमने निकाल लिया है। इसको करने का एक और तरीका भी हो सकता था, जैसे ऐसे सोचो कि since वो constant velocity से चला है, you know, sorry, constant acceleration से चला है, तो इस interval में, मतलब capital T वाला interval में, उस source की जो velocity है वो variable थी, variable velocity से चला है वो, है ना? इस जीरो से लेके कैपिटल टी इंटरवल में सोर्स जो है चला है वो एक वेरिएबल वेलोसिटी से चला है। जनरली हम डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूला में क्या करते हैं, आप से याद करो, सोर्स के मूवमेंट की वजह से, सोर्स की मूवमेंट की वजह से जो चेंजेस करते हैं, अच्छा एक मिनट रुकिए, ये एक्सप्रेशन मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, एक मिनट रुकिए, ये देखो ये एक्सप्रेशन उल्टा हो जाएगा ना, देखो एक बार,
लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप से लास्ट स्टेप में देखो मैंने रिलेशन उल्टा लिख दिया है, तो सी ऊपर हो जाएगा। हां सी ऊपर हो जाएगा ठीक है, और ये नीचे हो जाएगा, ये गलत कर दिया। सो दिस विल बी सी डिवाइडेड बाय सी माइनस हाफ इनटू ए इनटू 1 बाय एफ को आप कैपिटल टी लिख दे रहे हैं, क्यों लिखना अभी समझ आ रहा है, समझ आओगे। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूलाज यूज करते हैं उसमें सोर्स की वेलोसिटी यू नो डिनोमिनेटर में चेंजेस करते हैं, बट वो जब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तब, एंड वो वेलोसिटी हम तब का लेते हैं जब वो सोर्स यू नो जब वो वेव एमिट करता है तब की वेलोसिटी लेते हैं। बट ये वेवलेंथ का जो चेंज है वो तो उसकी वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से आया, तो इस इंटरवल में अगर मैं उसका एवरेज वेलोसिटी लेता और उससे अगर डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लगाता तो भी हमारा सही हो जाता। तो अगर सोचो जीरो से टी के बीच में अगर मैं पूछूं आपकी एवरेज वेलोसिटी उस सोर्स की कितनी थी, तो एवरेज वेलोसिटी सोर्स की कितनी थी, आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करोगे, करोगे या नहीं करोगे? हाँ सर। तो हाफ 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगर कैपिटल टी किया तो कितना आएगा, 80 बाय 2 आएगा या नहीं आएगा? यस सर आएगा। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी देखो ये एग्जैक्टली देखो एवरेज वेलोसिटी का देखो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आपको दिखेगा, दिख रही है? हाँ सर। ठीक है, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि यू नो इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकता था यू नो अल्टरनेटिवली। सर मतलब उधर जब हम लोग करते थे तब एक कांस्टेंट था और इधर क्योंकि अलग है वेलोसिटी इसलिए एवरेज ले लिया, तो हाँ 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 मतलब अगर वेरिएबल है तो उस केस में आप एवरेज ले लेंगे यू नो। और ये एवरेज लेने का भी कंसेप्ट देखो क्या है, जैसे अगर मान लो कि जैसे सपोजली कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मान लो कि बहुत बड़ी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसे मान लो कि मान लो 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो बहुत बड़ा नहीं करते, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव करवाते हैं उसको, और वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है अगर, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एक्चुअली जो था मान लेते हैं 50 हर्ट्ज का भी था, तो 50 हर्ट्ज का अगर आप इनवर्स करोगे तो 0.02 सेकंड्स मिलेगा। हाँ सर। राइट, तो इस 0.02 सेकंड्स में उस जो भी सोर्स है अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था तो 0.02 सेकंड्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ वेलोसिटी उसका मिलेगा क्या? अगर एक्सेलरेशन था भी तो उसके पास सोचो मिलता क्या? नहीं सर। नहीं, तो अगर वेलोसिटी उसका एक यू नो मतलब एक यू नो फाइनाइट वैल्यू और थोड़ा बड़ा वैल्यू है ना, तो उस केस में उसका एवरेज लो या इंस्टेंटेनियस लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आ रही है? बट अगर आप जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हो तो जीरो से स्टार्ट करने के बाद जो भी छोटा वैल्यू भी अटेन करेगा तो वो तो बड़ा वैल्यू हो जाएगा ना जीरो के कंपैरिजन में। हाँ सर। समझ आ रही है, इसलिए यहाँ पे एवरेज लेना पड़ता है, बट बाकी जगहों पे हम एवरेज बिना लिए करेंगे। हम क्या करेंगे, बाकी जगहों पे हम हमेशा ये कंडीशन को यूज करेंगे कि हम सोर्स की वजह से जो चेंजेस करेंगे फ्रीक्वेंसी का वो तब का करेंगे जब उसने मतलब वेलोसिटी की जो एक्सप्रेशन को यूज करेंगे सोर्स का वो तब का यूज करेंगे जब उसने वेव को एमिट किया होगा। जब उसने वेव को एमिट किया होगा मतलब जो भी इंस्टेंट पे, जैसे 5 सेकंड पे उसने एक वेव को एमिट किया है, तो 5 सेकंड पे जो एमिट किया और 5 सेकंड प्लस द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन उसके बीच में जो एवरेज वेलोसिटी आएगा दैट एवरेज वेलोसिटी विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू द वेलोसिटी एट 5 सेकंड। समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो उस केस में आपको एवरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एवरेज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जीरो के कंपैरिजन में जो भी वेलोसिटी आ रहा है वो तो बड़ा ही है। हाँ, लार्ज चेंज। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, सिंस द सोर्स मूव्स विद अ वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इट्स एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू कैपिटल टी, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, time period of wave, ठीक है, the source moves with a variable velocity, its average velocity in the interval t equal to zero is, average लिख रहे हैं, so this will be displacement divided by time, and that will be half into a into t square divided by capital T, and therefore this is half of a t, and therefore the apparent frequency can be written as c divided by c minus of average velocity of source, ये vs लिख लेते हैं source के लिए, ठीक है, and that multiplied with f कर लेंगे। clear हो गया सबको? yes sir। ठीक है, चलो next पे move करते हैं।
a source of sonic oscillations of frequency f naught and receiver are located at the same point. At the moment t equal to zero, the source starts receding from the receiver with a constant acceleration a. Okay. तो लेट अस से यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, रिसीवर है, इस रिसीवर को आर कह लेते हैं और यहाँ पे एक सोर्स है इसको एस कह लेते हैं. दोनों एक ही लोकेशन पे अभी है और ये मूव करना स्टार्ट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अवे फ्रॉम रिसीवर. दिस एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट. ये जो डायग्राम दिखा रखा है मैंने टी इक्वल टू जीरो का दिखा रखा है. ठीक है, ठीक है. अज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड टू बी सी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द स्टेशनरी रिसीवर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ मोशन. इसमें डेटा थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्वेश्चन का. एट टाइम टी लिखना पड़ेगा. दिस इज टू बी फाउंड आउट एट टाइम टी, मतलब टाइम टी पे वो कितना फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा आपको ये फाइंड आउट करने का है. क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, अब ये सोचो टाइम टी पे जो वो वेव रिसीव करेगा रिसीवर, क्या उसी वक्त सोर्स ने एमिट किया होगा या थोड़ा पहले एमिट किया होगा? पहले एमिट किया होगा ना. ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझाया था ना. हाँ सर, है ना? एक बार बोला सर. ठीक है, सो एक चीज आपको ये समझनी है, यहाँ पे यही कंडीशन को यूज करेंगे. The wave received by receiver, receiver यहाँ पे आ रहा है हमारा, ठीक है, at time t would have been sent by source at some time earlier. Let this instant of time be t equal to t naught. T equal to t naught पे मान लेते हैं उसने सेंड किया होगा. तो मैं इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ, देखो. तो सोर्स को मान लो मैं यहाँ पे कहीं दिखा रहा हूँ, ये लोकेशन ऑफ सोर्स है एंड इसके पास वेलोसिटी हो गया होगा, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स दिखा रहे हैं, दिस इज कैपिटल ए इंटू टी नॉट. ठीक है, This is shown as t equal to t naught. ठीक है ना, क्लियर समझ आ गया? अब यहां से वो वेव्स छोड़ेगा और ये वेव अब आपके रिसीवर के पास जा रही है. वेलोसिटी ऑफ वेव आपको पता है ये c है. ठीक है, तो वेव के पास उस ऑब्जर्वर के पास रिसीवर के पास पहुंचने के लिए कितना टाइम बचा है? t minus t naught, है ना? So the wave has to reach receiver in a time t minus t naught after being released. ठीक है, तो अब इस कंडीशन को यूज कर रहे हैं. सो देखो ये वाला डिस्टेंस सोर्स और रिसीवर के बीच में कितना हो गया था, हाफ ए टी नॉट स्क्वायर कह सकते हैं क्या? हाफ ए टी नॉट स्क्वायर, यस सर. सो दिस इज हाफ इनटू ए इनटू टी नॉट का स्क्वायर है. अब उसके साथ आप सी को डिवाइड कर दो तो क्या आपको टाइम इंटरवल मिल जाएगा? Yes, sir, time interval. So therefore, t minus t naught can be written as distance traveled is half a into t naught ka square and divided by speed of wave is c. Clear hai na? Dekho, agar aap dekhoge to t naught mein quadratic aa rahi hai. Can you see that? Hai na? Haan, sir. Isse isko solve karoge na to t naught ka ek real value aayega, ek imaginary value aayega. Jo real value aayega usko use kar lena hai aur imaginary value ko discard kar dena hai. Karke dekhte hain. Dekho, aapko samajh aa jayega. So a into t naught ka square plus c into t naught minus ct is equal to zero. So therefore, t naught ki value becomes minus c plus minus of root under b square matlab c square minus matlab plus 4 into a into c and divided by 2a. Agar aap notice karoge, haan bolo beta. Sir, half a t square tha na udhar, half a t naught square tha na. अच्छा, टू को छोड़ दिया ना, इधर बढ़ कर दिया, ये टू भी चला जाएगा ना. सही कह रहे हैं, ये टू भी इधर आएगा, ये टू भी इधर आएगा. ठीक है ना? माइनस, यस सर, अब ठीक है अभी ठीक है. तो यहाँ भी टू आ जाएगा, फिर यहाँ पे फोर सी स्क्वायर हो जाएगा. सही है ना? नहीं, एक और गड़बड़ है. फोर ए सी मतलब यहाँ एट होगा, एट ए सी. अभी ठीक है, चेक करो एक बार. हाँ सर, अब ठीक है. ठीक है, सही कह रहे हैं. हाँ, अभी देखो यहाँ पे,
अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो टी नॉट क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर। तो नेगेटिव रूट को डिस्कार्ड करना पड़ेगा ना हमें, हाँ ना? सर। तो नेगेटिव रूट को डिस्कार्ड करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगा? सो देयरफॉर हमारा जो टी नॉट की वैल्यू हो गई है, जो हमारा टी नॉट का रियल वैल्यू हमें चाहिए, तो दैट विल बी रूट अंडर टू को बाहर निकाल लेते हैं, सो सी स्क्वायर प्लस टू ए सी माइनस सी, अच्छा टू सी एंड डिवाइडेड बाई टू ए, ये टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रही है दैट इज रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस टू ए सी माइनस सी एंड डिवाइडेड बाई ए, समझ आ गई आपको? और जैसे ही देखो आपको टी नॉट मिल चुका है तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स मिल गया ना आपको, जब उसने वेव छोड़ा था वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या था? ए इंटू टी नॉट था ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो इसको यूज करो तो कितनी आ रही है देखो, रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस टू ए सी माइनस ऑफ सी हो गया, राइट? यस सर। ठीक है, और अब आप apparent frequency का expression use कर सकते हैं। So apparent frequency का expression will be, कौन move कर रहा था यहाँ पे? Source या observer? Source move कर रहा है, observer तो stationary है, तो c ऊपर में रहेगा और denominator में c plus velocity of source and that multiplied with f naught हो जाएगा। And velocity of source अब substitute कर दो तो ये हो जाएगा c divided by root under c square plus 2ac and that multiplied with f naught। Okay, got it? Yes sir। समझ आ गई सबको? अरे टी रहना चाहिए था ना, एक आंसर में टी कहाँ चला गया हम लोग का? ओहो, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक किया। ओ फोर्स 8ACT था। 8ACT, हाँ 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 8ACT, क्योंकि टी तो होना ही चाहिए ना, हमें टाइम टी पे निकालना था ना। 8ACT, मैं सभी सोचू कि आंसर में टी क्यों नहीं आया। चलो ये हमने apparent frequency का value calculate कर लिया। तो इस तरह के questions में आप अगर देखोगे तो important क्या है, इस तरह के जब भी question solve करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना कि source एक different time पे wave emit कर रहा है और observer एक different time पे receive कर रहा है। तो जब हम formula लगाते हैं apparent frequency वाला, तो हमें source की velocity तब की लेनी होती है जब उसने send किया है, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तब की लेनी होती है जब उसने रिसीव किया है। ये दोनों अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है इस तरह के केसेस में, जब वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ये वाला मैं भेज रहा हूँ, देखो अभी ग्रुप में मतलब यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। आप ट्राई करो, मैं आपको 4 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई करो इसको खुद से। 4 मिनट है आपके पास, लंबा टाइम दिया मैंने। ओके, देखो अभी मैं कर रहा हूँ, चेक करो, इतना टाइम नहीं दे सकते। देखो, अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी f नॉट 1300 हर्ट्ज इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 505 मीटर्स अबव ग्राउंड। तो यहाँ पे एक विसल मान लेते हैं, ये सोर्स है बेसिकली, ठीक है, एंड यहाँ पे ग्राउंड मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज ग्राउंड, इन दोनों के बीच की सेपरेशन 505 मीटर है, 505 meters, ठीक है। At the same time, a detector is projected upwards with a velocity of 50 meter per second along the same line. This is a detector D मान लेते हैं, और इसको हमने project किया है 50 meter per second से same line पे। This is at t equal to 0. एंड ये भी t equal to 0 पे हमने ड्रॉप किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 0 अलोंग द सेम लाइन। इफ द वेलोसिटी ऑफ सोर्स साउंड इज 300 मीटर पर सेकंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर आफ्टर 5 सेकंड्स। ओके, तो 5 सेकंड्स वाला वेव तो उसके पास 5 सेकंड्स में नहीं पहुंचा होगा ना, वेव तो थोड़ी देर पहले पहुंच रिलीज किया होगा हमने, है ना? सॉरी, रिलीज। तो मान लेते हैं कि हमने t equal to t naught पे वेव को रिलीज किया है, ठीक है, ये सोर्स का लोकेशन है। तो t equal to t naught पे जितना डिस्टेंस वो गिर चुका होगा, ये डिस्टेंस होगी आपकी कितनी कितनी होगी? हाँ, 50 नॉट स्क्वायर इनटू g इनटू t naught का स्क्वायर, राइट? ठीक है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी होगी सोर्स की, एंड दैट विल बी g इनटू t naught। अब इतने देर में डिटेक्टर तो यहाँ पे पड़ा नहीं रहेगा, डिटेक्टर भी थोड़ा आगे मूव कर चुका होगा, तो डिटेक्टर की जो लोकेशन होगी ये t equal to t naught पे ही दिखा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस मूव कर गया होगा,
that distance will be 50 into t naught माइनस ऑफ हाफ जी इंटू टी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जो वेव है, जो वेव सोर्स ने यहां से रिलीज किया है, यहां से जो सोर्स ने वेव रिलीज किया है, जो कि आपका 300 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इस वेव के पास पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो डिस्टेंस ये वाला है ना? हाँ सर। नहीं गलत। हाँ सर। नहीं गलत। तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा और थोड़ा ऊपर होगा, क्यों? क्योंकि डिटेक्टर भी तो मूव कर रहा है ना। हाँ सर, मूव नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है ना डिटेक्टर मूव? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो डिटेक्टर के पास अभी वेलोसिटी कितनी होगी? ये वेलोसिटी कितनी होगी सर? इसकी जरूरत नहीं होगी। देखो इनफैक्ट हमें ये पता है ना मीटिंग पॉइंट कहाँ पे होना है, हमें t equal to 5 seconds पे मीट कराना है। हाँ सर। ये अगर डिटेक्टर t equal to 5 seconds पे मान लो यहाँ पे है, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर कितनी होगी? जीरो होगी, क्योंकि 5 सेकंड पे होगी ना। हाँ सर। राइट, t equal to 5 seconds की बात कर रहे हैं, और इसी इंस्टेंट पे ये वेव को यहाँ पे पहुंच भी जाना है। दिस वेव हैज टू रीच हियर, राइट, है ना? यस सर। तो वेव के पास सोचो इफेक्टिवली ये वाला डिस्टेंस तो हम पता कर सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दी डिटेक्टर है, यू स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा। तो 50 का स्क्वायर कर लिया एंड डिवाइड बाय 2g कर लिया, तो योर ये 50 into 50 डिवाइडेड बाय 2 into 10, 10 कैंसिल आउट हो गया, 225 से कैंसिल आउट हो गया, ये 125 आ गया। तो 125 मीटर इधर हो गया, और ये वाला डिस्टेंस जो बच जाएगी हमारे पास, ये डिस्टेंस जो बच जाएगी ये कितनी होनी है? 505 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमें? हाफ जी इंटू टी नॉट का स्क्वायर एंड प्लस 125, यही है ना? है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये कितनी हो गई हमारे पास? 380 एंड माइनस ऑफ हाफ जी इंटू टी नॉट का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस वेव को कितनी स्पीड से कवर करना है? 300 मीटर पर सेकंड से, है ना? हाँ सर। और उसको कितने टाइम में कवर करना है? 5 माइनस टी नॉट पे, 5 माइनस टी नॉट। सो देयरफॉर क्या कंडीशन लिखेंगे हम? 300 मीटर पर सेकेंड इंटू 5 माइनस टी नॉट, दिस शुड बी इक्वल टू 380 माइनस ऑफ हाफ इंटू जी विच इज 10 इंटू टी नॉट का स्क्वायर, लिख सकते हैं सर? हाँ, ठीक है ना, चेक करो। ये 2 तो इधर 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ से आ रही है 3 5 15, 1500 माइनस 300 टी नॉट इज इक्वल टू 380 माइनस 5 टी नॉट का स्क्वायर आ रहा है। कैलकुलेशन बस एक बार चेक कर लेना, ठीक है? ये 5 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 7 जा 35 एंड 30 5 6 जा 76 आ रहा है, फिर यहाँ पे 5 60 जा, फिर वहाँ पे 5 300 जा, चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन बस चेक कर लेना। सो यहाँ से आपके पास आ रही है टी नॉट का स्क्वायर माइनस 60 टी नॉट, एंड 300 में से 76 चला जाएगा, तो बचेगा आपके पास प्लस 224 इक्वल टू 0। देखो ये आ गया क्या? हाँ सर। सो टी नॉट में क्वाड्रेटिक आई, अब टी नॉट की वैल्यू को सॉल्व कर लेते। सो टी नॉट की वैल्यू विल बी 60 प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब हो गया आपके पास 3600 माइनस 4ac, सो 4 इंटू 1 इंटू 224, तो ये आ रहा है 896, सही है ना? हाँ सर। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2, सो दिस बिकम 60 प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर 3600 में 800 गया तो 2800, और तो हो गया ये 2704 डिवाइड बाय 2। देखो तो ये आ रही है क्या? ये आ रही है? यस सर। ओके, 2704 का स्क्वायर रूट लेना है, 2704, 25 का स्क्वायर तो 2500 हो जाएगा, नहीं सर, 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा सर, 52 आ रही है? हाँ सर। 52 into 2, हाँ, सही। सो ये हो गई 60 प्लस माइनस ऑफ 52 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से टाइम की दो वैल्यू आ रही है, 60 प्लस 52, ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा, 60 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2, ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा, डिस्कार्ड होगा ना, क्यों? क्योंकि टाइम की वैल्यू हमें 5 सेकंड से कम मिलनी चाहिए, 5 सेकंड से कम, और दूसरी आ रही 60 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 2, तो 60 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 4 सेकंड, है ना?
हाँ सर, अच्छा सर, इसका मतलब जिस इंस्टेंट पे वेव उसने एमिट किया था वो इंस्टेंट कौन सा था, टी इक्वल टू 4 सेकंड्स था। तो टी इक्वल टू 4 सेकंड्स पे जो सोर्स की वेलोसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग डॉपलर इफेक्ट यूज होगा, ठीक है। एंड डिटेक्टर जब रिसीव कर रहा है वो तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है ना। तो यहाँ पे जब हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तब आप कैसे लिखोगे, एफ एपरेंट विल बी क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ वेव सिंस वो पास जा रहा था तो प्लस वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर, बट ये कब का यूज करना है, टी इक्वल टू 5 सेकंड्स का, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये कब का यूज करना है, टी इक्वल टू 4 सेकंड्स का, एंड दैट मल्टीप्लाइड विद एफ नॉट। समझ आ रही है ना एक्सप्रेशन, समझ आ रही है? यस सर, ठीक है। सो दिस बिकम्स वेलोसिटी ऑफ वेव है अपना 300 था शायद, कितना दिया था 300, सो दिस इज 300, यहां पे प्लस 0 एंड डिवाइडेड बाय 300 माइनस g इनटू t, g है 10 एंड t है आपका 4 सेकंड, एंड दैट मल्टीप्लाइड विद f नॉट, f नॉट कितना दिया था 1500 शायद था, 1300 था, 1300, सो दिस बिकम्स 300 डिवाइडेड बाय 260 एंड दैट मल्टीप्लाइड विद 1300। ये डेसिमल इधर से हटा देते हैं, ये 13 टेन्स आ, 13 टूस आ, ये 2 150s आ, 1500, 1500 आ, सॉरी। क्लियर है, समझ आई है? हाँ सर। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन था। क्या बेटा फिर से बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर, बोल रहा था कि आपने जो पिछले सम जो किया था लास्ट में एक आप रिलेशन निकाले थे, तो उधर में जो ए था लास्ट में एकदम एफ अपेरेंट एकदम, सो उधर ए में क्या हम लोग को नेगेटिव साइन भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना इधर, मतलब आइदर नेगेटिव साइन और वैल्यू, मतलब वही पूछ रहा था। नहीं समझा फिर से भी। मतलब सर अगर मैं इस फॉर्मूले की यूज करके ये सम करता तो हम लोग को एक ही जगह में क्या नेगेटिव साइन भी इंक्लूड करना पड़ता कि ओनली वैल्यू और इधर नहीं? नेगेटिव साइन कहाँ आ रहा है, कहाँ पे नेगेटिव साइन? मतलब सर जो नीचे में था ना c2 + 2 act, हाँ 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 सर, वो सोर्स तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, हाँ, तो हाँ. अगर मैं हाँ तो -10 अगर मैं पकड़ूँ, मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड ले रहे हो ना, देखो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ, वेक्टर क्वांटिटीज के साथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव जब लिखते हो तो वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए इंडिकेट करता है। तुम देखो डायग्राम में, मैंने देखो मार्क किया, देखो डायग्राम में कहीं पे भी मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ क्या? नहीं सर, नहीं सर, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो आपका डायरेक्शन, तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव जब भी लिखोगे वो डायरेक्शन के लिए होगा। यहाँ पे जब हम डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूलाज लगाते हैं तो उसमें हम प्लस या माइनस जब हम एडजस्ट करते हैं सोर्स की वेलोसिटी या ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, तो वो तो कंसेप्चुअली करते हैं ना प्लस माइनस एडजस्टमेंट। हम बोलते हैं कि सेपरेशन घट रही है तो बढ़ना चाहिए फ्रीक्वेंसी, सेपरेशन बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए, तो प्लस माइनस उसके बेसिस पर एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब हम वी एस डालें या वी ओ डालें तो उसकी वैल्यू तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही डालते हैं ना। हाँ सर, हाँ सर, है ना, तो प्लस माइनस कुछ करने का नहीं, प्लस माइनस तो हम कंसेप्चुअली कर रहे थे। सर अगर हम लोग ये जो सम आपने किया अभी, तो अगर हम लोग उस फॉर्मूले से करते थे आंसर तो मतलब मैच ही करता है उस फॉर्मूले से? मुझे समझ नहीं आ रहा, वही फॉर्मूला तो यूज किया मैंने तो कुछ अलग नहीं यूज किया। हाँ सर, मैं डायरेक्टली बोल रहा था, मैं डायरेक्टली अगर यूज करते थे मतलब। नहीं नहीं नहीं, उसको ऐसे नहीं, उसको रिजल्ट की तरह नहीं याद किया करो। नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे सर, ठीक है, ऐसे नहीं याद करेंगे। और ये रिजल्ट को तुम यूज भी कैसे करते हैं, इसमें देखो, इसमें सोर्स एंड ऑब्जर्वर इनिशियली एक ही लोकेशन पे था। इस वाले क्वेश्चन में सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक ही लोकेशन पे था और उसका सोर्स दूर जा रहा था, है ना? हाँ सर था। और इसमें तो एक इनिशियल सेपरेशन है और उसके बाद फिर आप उस पे रिलीज करके भेज रहे हैं, ये तो अलग ही क्वेश्चन हो गया। इसमें डिटेक्टर भी मूव कर रहा है, उसमें डिटेक्टर मूव ही नहीं कर रहा था। हाँ सर ठीक है, थोड़ा नहीं ठीक, ऐसे नहीं करना। आप कॉन्सेप्चुअली याद रखो कि क्या करना है, बाकी तो फिर ओके सर ठीक। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं, इसको मैं लिखता हूँ, देखो इसका स्क्रीनशॉट नहीं है। अ सोर्स ऑफ साउंड moves towards a wall with a speed u by 2 and the wall moves away from source at a speed
u. If the sound travels with speed 10 u, find the ratio of the wavelength received by wall and the wavelength received by source after reflection from wall. After reflection from wall. ये आपको करना है. मैं कर रहा हूँ, देखो अभी. क्वेश्चन तो क्लियर हो गया. क्वेश्चन क्लियर है ना? हाँ सर. मैं एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, चेक कर लो आप एक बार. यहाँ पे हमारा सोर्स है, ये मूव कर रहा है u by 2 से, एंड यहाँ पे एक वॉल है सोचो, एंड ये मूव कर रहा है u से. और उसने ये बोला है कि पहला तो ये जो सोर्स वेव सेंड कर रहा है इसका कितना वेवलेंथ वॉल रिसीव करेगा, ये पहला फाइंड करना है. और उसके बाद फिर यही वाली वेव जब ये रिटर्न होके वापस जाएगी तब सोर्स कितना वेवलेंथ रिसीव करेगा ये आपको फाइंड करना है. ठीक है? आपको अगर याद हो तो मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड बाउंड्री वाला, बट उसमें बाउंड्री को मैंने फिक्स रखा था, याद है आपको? हाँ सर, ऑब्जर्व. हाँ, है ना. तो उसमें मैंने बताया था कि आपको अकॉस्टिक इमेज लेके कर सकते हैं, मतलब सोर्स का एक एक्ट वर्चुअल इमेज सोर्स क्रिएट कर लो और फिर अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कर लो, तुरंत आसानी से हो जाएगा. बट मैंने आपको साथ साथ में लिमिटेशन भी बताया था कि वो तब यूज कर सकते हैं जब आपका जो रिजिड बाउंड्री है वो फिक्स्ड रहे, वो मूवेबल नहीं होना चाहिए. यहाँ पे मूवेबल है तो वो अकॉस्टिक इमेज वाला मेथड नहीं कर सकेंगे आप. ठीक है? तो अब क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे करते हैं v equal to f lambda वैसे ही लगाएंगे. तो पहला आप ये सोचो कि फ्रीक्वेंसी रिसीव बाय वॉल, अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी वॉल कितना रिसीव करेगा, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा आप ये पहले बताओ. इसको मैं f1 कह रहा हूं. ठीक है? तो f1 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली देखो डॉपलर इफेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है? सिंस वॉल अभी ऑब्जर्वर है ना, है नहीं है, वॉल ऑब्जर्वर है क्योंकि वॉल रिसीव करने वाला है. तो हम इसको क्या यूज करेंगे यहाँ पे, 10 u is the velocity of wave, ये दूर जा रहा है मतलब माइनस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 10 u एंड ऑब्जर्वर पास आ रहा है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो फिर से माइनस, एंड डिवाइडेड बाय u by माइनस u by 2 एंड दैट मल्टीप्लाइड विद f नॉट, यही करेंगे ना? हाँ सर. ठीक है? सो ये हमारे पास हो गया, ये इसको लिखे तो ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज 9 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 2 10 20 19 by 2, मतलब ये 18 by 19 f naught. ठीक है ना? एक बार चेक कर लो. हाँ सही हो रहा है. ठीक है? इतनी फ्रीक्वेंसी बेसिकली वो उसने रिसीव किया वॉल में. अब हम अगर v equal to f lambda लगाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, therefore f1 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं velocity of wave apparent divided by lambda apparent, ऐसा लिख सकते हैं, right? हाँ सर. तो इस वेलोसिटी ऑफ वेव एपरेंट की वैल्यू को अगर लिखें तो आपको पता है ना वेलोसिटी ऑफ वेव रिलेटिव वेलोसिटी से कैलकुलेट करते हैं, याद है? तो वेव आ रहा था स्टेशनरी मीडियम में 10 u से और ऑब्जर्वर उससे दूर जा रहा है u से, तो उसको कितनी वेलोसिटी से दिखेगा आता हुआ, 9 u से, 9 u, 9 u, राइट? तो उसको क्या लिखेंगे आप, 10 u माइनस u से एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा एपरेंट. तो ये लैम्डा, इसको लैम्डा 1 कह लेते हैं. ठीक है? दिस इज लैम्डा 1, जो लैम्डा एपरेंट है उसी को लैम्डा 1 कह लेते हैं. तो यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू मिल गई हमें, सो लैम्डा 1 बिकम्स दिस इज 9 न्यू एंड डिवाइडेड बाय f1, f1 की वैल्यू थी 18 f नॉट डिवाइडेड बाय 19. ठीक है? तो ये हो गई 19 u डिवाइडेड बाय 2 f नॉट. क्लियर है? हाँ सर. ठीक है? इतनी लैम्डा उसने रिसीव करी है. अब हम क्या करते हैं, अब वॉल को ही ये वेव को सेंड करना है. ठीक है? तो आपको पता है ना जितनी फ्रीक्वेंसी वॉल रिसीव करता है उतनी फ्रीक्वेंसी वो सेंड कर देगा, है ना? तो अब हम इस वॉल को सोर्स बनाएंगे, ये वॉल हमारे लिए सोर्स हो गया है,
और यहां से जो वेव आया है वो वेव को अभी से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इधर से ये वेव इधर जा रही है, तो वेव तो आपकी टेन्यू से ट्रेवल कर रही है, और अब ये सोर्स हो गया है, तो वॉल की वेलोसिटी आपको दी हुई थी यू, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो जाएगी, एंड अब हमारा यहाँ पे वो यू नो जो सोर्स था वो एक्चुअली तो इधर ही प्लेस्ड है, बट इसकी वेलोसिटी अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट करेंगे, और ये यू बाई टू है, ठीक है ना, सही है, समझ आ रही है? यस सर, ठीक है। एस को मैंने वीओ क्यों लिखा, समझ आ रहा है ना, क्योंकि अब वो ऑब्जर्वर है, तो फ्रीक्वेंसी रिसीव बाई, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय सोर्स, इसको F2 कह रहे हैं, ठीक है, F2 will be, अब वापस से लिखें तो 10U, पहले ऑब्जर्वर अब सोर्स है हमारे लिए, तो सिंस ये पास जा रहा है तो बढ़ना चाहिए, तो प्लस U by 2 डिवाइडेड बाय 10U, एंड वॉल दूर जा रहा है तो उसकी वजह से घटना चाहिए, तो प्लस U, एंड दैट मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी जो उसने सेंड किया था, जो फ्रीक्वेंसी सेंड किया था वो तो F1 ही था ना, था ना? हाँ सर, ठीक है, तो उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगी आपके पास 10 × 21 डिवाइडेड बाय 11 × 22 इंटू एफ वन, एंड एफ वन की वैल्यू को आपने ऑलरेडी निकाल रखा था, एफ वन वॉज 18/19 एफ नॉट, 18/19 एफ नॉट था, ठीक है, और ये एफ नॉट की एफ टू की वैल्यू को वापस से, एफ इज वी बाय लैम्डा, तो वी वेलोसिटी ऑफ वेव एपरेंट एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा एपरेंट कर सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ वेव एपरेंट फिर से कितना है, सोर्स पास जा रहा है एंड वेव उसकी तरफ आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो 10u + u / 2 है ना, हां सर, तो यहां पे लिखेंगे 10u + u / 2 एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा एपरेंट, इसको लैम्डा 2 मान लेते हैं, एंड दैट बिकम्स 21 डिवाइडेड बाय 22 * 18 डिवाइडेड बाय 19 * f नॉट हो जाएगा, एंड यहां से आपको मिल रही है 21 u divided by 2 lambda 2 is equal to 21/22 into 18/19 into f naught. ये 21 cancel out हो गया, ये 2 इधर 11 से cancel out हो गया, and lambda 2 की value मिल गई आपको 11 u into 19 divided by 18 f naught. ठीक है ना, check कर लेगा, ठीक है, ठीक है, आपने लैम्डा 1 तो पहले निकाल रखा है, 19u by 2 f नॉट है, और लैम्डा 2 भी निकाल रखा है, ये सेकंड इक्वेशन, तो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 की रेशियो लेनी थी, तो लैम्डा 1 by लैम्डा 2 निकाल लेंगे, सो लैम्डा 1 था, भूल गया फिर से, 19u by 2 f नॉट, 19u by 2 f नॉट एंड इनटू 11u by 18 f naught into 1/19, ठीक है ना, ठीक है, हाँ सर, यार ये देखो 9/11, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है, तो इसमें देखो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन में वेवलेंथ कब चेंज होता है, यू नो वेलोसिटी ऑफ वेव कब चेंज होता है, ये दोनों कंसेप्ट हम बेसिकली यूज कर रहे हैं, है ना, सोर्स के मूवमेंट की वजह से वेवलेंथ चेंज होता है, ऑब्जर्वर के मूवमेंट की वजह से वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज होती है, इन कंडीशंस को यूज करके ही बेसिकली आप रिजल्ट को जल्दी से निकाल पा रहे हैं, आई होप आपको सच एग्जांपल समझ आ गए हैं, यस सर, ठीक है,